आप भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने वाला है और आरबीआई ने पेटीएम में मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी से जुड़ी गड़बड़ियां पाई हैं, जिसके बाद पेटीएम पर बड़ा एक्शन लिया गया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ महीने पहले आरबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय को पेटीएम में नियमों के उल्लंघन के बारे में सचेत किया था, लेकिन पेटीएम की ओर से लगातार नियमों का उल्लंघन जारी रहा। अब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी का ऐलान किया है और पेटीएम की कई सर्विसेज 29 फरवरी से बंद होने जा रही है। आरबीआई के एक्शन से करोड़ों यूजर्स प्रभावित हो रहे हैं, वहीं बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है। वैसे इस एक्शन के बाद तय है कि 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए आप कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम तो होगी ही, क्योंकि अभी चलो उसका कुछ अल्टरनेटिव हम यूज करना पड़ेगा, क्यों ना चालू करना पड़ेगा। भारत पे फोन यूपीआई सब चालू करेंगे, उसको यूज करेंगे अभी, और क्या कर सकते हो। नहीं तो प्रॉब्लम तो जाहिर सी बात होनी है उसके। जानकारी मिली थी आप पेटीएम यूज करते थे? हाँ, पेटीएम ही हमारा पूरा पेटीएम ही लगा, हम पेटीएम ही यूज करते हैं। पेटीएम का यूपीआई, पेटीएम का पेमेंट बैंक सब यूज करते हैं। ग्राहक हुए जो ज्यादा पेटीएम पर भरोसा था, अभी क्या होगा पता नहीं, लेकिन परेशान हो गए। अब दूसरा यूपीआई यूज करेंगे फिर? हाँ, पेमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? हाँ, दूसरा तो चल रहा है, चलने दो। अगर आप भी पेटीएम बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क हो जाइए। आरबीआई ने पेटीएम पर अब बड़ी कार्रवाई कर दी है और 29 फरवरी के बाद से पेटीएम पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा यूपीआई पेमेंट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर पेटीएम पर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है और अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए प्री पेमेंट और इसके अलावा यूपीआई पेमेंट जो है पेटीएम के जरिए नहीं किया जा सकेगा। लगातार मिली शिकायतों के बाद आरबीआई ने पेटीएम पर यह कार्रवाई की है। कई नियमों का उल्लंघन भी जो है वो पाया गया, जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है और यूजर्स जो है अब पेटीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर।